नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 24 नवंबर, 24 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको डेली करंट अफेयर की PDF टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से PDF को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। साथ ही साथ कोशिश करिए रेगुलर सेशन को फॉलो करिए, कोई भी सिंगल सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रेगुलर बने रहिए, रेगुलर अपने नोट्स बनाइए और साथ ही साथ रिविजन करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसके द्वारा जो है दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात ने एक ही जगह पे, ध्यान रखिएगा, एक ही स्थान पे दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, दो जो कि 28वां संस्करण है, इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो UAE में किया जा रहा है। और UAE में जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 से पहले जो है इसकी शुरुआत की गई है। किसकी दोस्तों? तो एक ही जगह में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की। इस संयंत्र की विशेषता बात करें दोस्तों, तो ये 2 GW क्षमता वाला यह संयंत्र है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना अबू धाबी से पैद जो है 55 यहाँ पे माफ करिएगा 35 किलोमीटर दूर है, और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख घरों के लिए बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अबू धाबी क्या है दोस्तों? तो ये UAE की कैपिटल है। ठीक है, ये कैपिटल, और कैपिटल से लगभग देखा जाए 35 किलोमीटर ये दूर है। क्या नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इस परियोजना का क्या नाम है? तो अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना, ठीक है, UAE में है। और ये देखा, ध्यान रखिएगा, एक ही जगह पर दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत ऊर्जा संयंत्र, और सन विद्युत ऊर्जा संयंत्र से जहां पे बिजली का उत्पादन होगा, उस उत्पादन से देखा जाए लगभग जो है 2 लाख घरों में क्या होगा, बिजली की सप्लाई यहाँ पे होगी। इसका जो उद्घाटन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो अबू धाबी के जो उपशासक शेख हजा बिन अल नयान ने जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख बिन जायद अल नयान की उपस्थिति में इसका जो है उद्घाटन किया है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। नाम क्या है? अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए, आस्ट्रा हिंद 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है, जिसका भी शुरुआत की गई है। तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आस्ट्रा हिंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आस्ट्रा हिंद यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन अभी हाल ही में शुरू हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में आस्ट्रा हिंद, ठीक है, आस्ट्रा हिंद जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत और किसके बीच में दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इस अभ्यास में भाग लेने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है 81 कर्मी वाले जो भारतीय सशस्त्र बल है, उनका दस्ता जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण है, क्योंकि यह जो है इस अभ्यास की जो शुरुआत की गई थी वो पिछले वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। ये ऑस्ट्रा हिंद जो कि दूसरा संस्करण अभ्यास है दोस्तों, ये 22 नवंबर को शुरू हुआ है और ये 6 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से कौन से जो है लोग भाग ले रहे हैं, कौन सी बटालियन? तो भारतीय सेना दल में देखा जाए गोरखा राइफल की जो है बटालियन के 60 जवान इसमें भाग ले रहे हैं। बाकी देखा जाए 60 कर्मियों वाली जो है ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी के 13 जो है 13वीं ब्रिगेड जो है इसमें शामिल हो रहे हैं।
भारत की ओर से जो है और भी कौन है, चूंकि 80 जो है दल इसमें शामिल हो रहे हैं, तो 60 बटालियन जो कि गोरखा राइफल से है, वहीं पे भारतीय नौसेना के एक अधिकारी और भारतीय वायुसेना के 20 कर्मी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई दल के जो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के 20-20 कर्मी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया हिंद की बात करें, इस अभ्यास की बात करें दोस्तों, तो ये अभ्यास 2022 में शुरू किया गया था और इसका जो पहला संस्करण ये भारत में हुआ था। भारत पे भी कहा दोस्तों, तो ये राजस्थान के महाजन में जो है इसका आयोजन किया गया था। दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जो है आयोजित किया जा रहा है। ये चूंकि ध्यान रखिएगा कि वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला ये वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी कि वर्ष में एक बार होने वाला ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वैकल्पिक रूप से, यानी कि एक बार भारत में एक बार ऑस्ट्रेलिया में, अगली बार जो अगला होगा वो भारत में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रा हिंद जो है परियोजना, यहाँ पे जो बात किया गया है दोस्तों वो किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आप मुझे बताइए, कल ही हमने एक जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बात किया था जिसका नाम था मैत्री, ठीक है। यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा मित्र शक्ति, ठीक है। मित्र शक्ति अभ्यास का जो आयोजन किसके किसके बीच में आयोजित किया गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे की आसियान भारत श्री अन्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आसियान जो कि ठीक है दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके और भारत के श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए रहिए। तो दोस्तों इसका जो करेंट आंसर है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है, जो है यहाँ पे भारत आसियान श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो आसियान के लिए जो भारतीय मिशन है और जो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, दोस्तों ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता में, वहां 22 से लेकर के 26 नवंबर तक आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव आयोजित कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आसियान के लिए जो भारतीय मिशन और कौन सा मंत्रालय दोस्तों, तो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है आयोजन, ठीक है, आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का। कहां पे, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसका यह जो आयोजन है ये किसका हिस्सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न जो है वर्ष 2023 का ये हिस्सा है और इस महोत्सव में जो है ये व्यंजन उत्सव भी शुरू हुआ है जिसमें मोटे अनाज वाले, चूंकि मोटे अनाज वाले व्यंजनों को तैयार करने की पाक कला का भी प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है 2023 जो है मोटे अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। मोटे अनाज का ये वर्ष, आपसे पूछा जा सकता है कि मोटे अनाज का वर्ष कौन सा है दोस्तों, ये तो भारत की, ठीक है, नेतृत्व में जो विश्व है वो 2023 को मोटे अनाज के वर्ष में मना रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है मोटे अनाज वाले व्यंजनों को तैयार करने के लिए पाक कला का भी प्रदर्शन किया जाएगा। किसमें दोस्तों, तो भारत आसियान, ठीक है, श्री अन्न महोत्सव में। यहाँ पे इस महोत्सव की बात करें दोस्तों, तो इस महोत्सव में, ठीक है, श्री अन्न आधारित जो भी खाद्य उत्पादक है, जो स्टार्टअप है, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं और इस जो यहाँ पे जो है उद्घाटन के दौरान जो है इस महोत्सव के उद्घाटन को करते हुए जो आसियान में भारत के राजदूत हैं दोस्तों, जिनका नाम है जयंत खोबरागड़े, इन्होंने भारत आसियान के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत आसियान महोत्सव के महत्व का भी क्या किया है, भारत ये जो आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव है इसके महत्व को भी इनका उल्लेख किया है कि इन्होंने दोस्तों, तो इसका उद्घाटन, इस महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आसियान में जो भारत के राजदूत हैं ये ध्यान रखिएगा जयंत खोबरागड़े, इनके द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ ये जो आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव इसके महत्व का भी उन्होंने उल्लेख किया। चूंकि हम बात करें आसियान के बारे में, एक संगठन के बारे में, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनका ये संगठन है और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये संगठन है और ये एक क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्र में जो देश है उनका आपस में संगठन है और ये एशिया और प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस संगठन का जो है स्थापना किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, तो ये किया गया था 8 अगस्त, ठीक है, 1967 को किया गया था। कहाँ, तो यहाँ पे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका जो है स्थापना किया गया था और इसीलिए आसियान दिवस भी हम मनाते हैं दोस्तों। कब मनाते हैं, 8 अगस्त को। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है और इसमें 10 देश हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, तो ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, साथ ही साथ म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये टोटल 10 जो कंट्री हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया से संबंधित हैं, ये इस जो है संगठन के सदस्य हैं, ठीक है। तो आसियान के बारे में आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की और अगला
प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है दिया गया है। तो यहाँ पे जो है किस केसर के यहाँ पे जो है वहां पे कौन से जिले का ये केसर है जिसे जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है बी है किश्तवाड़। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ जिला है दोस्तों, वहां के जो केसर है उस केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा जो है भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इस प्रकार की केसर की खेती और कटाई जो है कहाँ पे ऊंचे इलाकों में किया जाता है। किश्तवाड़ एक ऊंचा इलाका है जहां पे इस तरह के केसर के जो है उत्पादन किया जाता है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया। और ये जो प्रसिद्ध ये जो केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी वैरायटी है दोस्तों, इसका नाम देखिए क्या है, कुमकुम। ठीक है, कुमकुम जो कि केसर की सबसे प्रसिद्ध महंगी वैरायटी है। और ये जो है ये कुमकुम जो वैरायटी है दोस्तों, ये किश्तवाड़ जिले की सबसे प्रमुख नकदी फसल है जिसे हाल फिलहाल में जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है उसके द्वारा जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टोर फिश ठीक है यहाँ पे के रूप में घोषित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टोर फिश यहाँ पे लिख गया है स्टेट फिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है, ये ध्यान रखिएगा किस राज्य सरकार ने। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, ठीक गुजरात राज्य सरकार ने। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार की दोस्तों बात करें तो इन्होंने जो है ये जो है गुजरात ने देखा जाए तो घोल मछली जिसे हम गोल्ड फिश कहते हैं दोस्तों, इसको जो है स्टेट फिश के रूप में जो है घोषित किया है। और इसका जो ऐलान किया गया है वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने जो है जैसा कि आपको पता है गुजरात के दोस्तों अहमदाबाद में, ठीक है ध्यान रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में वर्ल्ड फिशरीज डे जो है सेलिब्रेट किया गया है। और वहां पे जो है वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर दोस्तों इस जो है इसका ऐलान किया गया कि भाई ये जो गोल्ड फिश है वो स्टेट फिश जो है डिक्लेयर की गई किसके द्वारा, तो यहां पे गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। अहमदाबाद के साइंस सिटी में जैसे आपको पता है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा, और इसी आयोजन के दौरान ये जो है इसका ऐलान किया गया। यहाँ पे जो है दोस्तों गोल्ड फिश जिसे हम घोल मछली के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, और इसे जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे सोने के दिल वाली मछली कहा जाता है क्योंकि इसकी अपनी एक औषधि गुण है, और औषधि गुणों के कारण दोस्तों इसे जो है सोने की ठीक है दिल वाली मछली कहा जाता है। और ये गुजरात के तटों में तो पाई जाती है, इसके अलावा महाराष्ट्र के तटों में भी ये गोल्ड फिश ये सोने की दिल वाली मछली पाई जाती है। चूंकि ये सुनहरे भूरे रंग की होती है जिस कारण से इसे जो है गोल्ड फिश कहा जाता है। और इस घोल मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो प्रोटोनीबिया डाइकेंथस जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है यानी कि ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर के भी नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो है दोस्तों चूंकि इसमें औषधि गुण है जिस कारण से इसे दूसरी मछलियों से अलग रखा जाता है गोल यहाँ पे गोल मछली को, तो यहाँ पे जो है चूंकि इसमें औषधि गुण है जिस कारण से इसको पूर्वी एशिया में इसे जो है अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। औषधि गुणों में देखिए ये कौन कौन सी चीजों से भरपूर है, तो इसमें आयोडीन पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, DHA पाया जाता है, EPA आयरन भी पाया जाता है, टॉरिन मैग्नीशियम फ्लोराइड और सेलेनियम जैसे जो पोषक तत्वों से ये भरपूर होने के कारण इस मछली को दोस्तों पोषण का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा पोषण का पावर हाउस कहा जाता है किसे दोस्तों, इस गोल्ड फिश को। तो गुजरात ने दोस्तों इस गोल्ड फिश को इस घोल मछली को स्टेट फिश का जो है दर्जा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि ICC पुरुष ठीक है ध्यान रखिएगा ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो चूंकि इसका आयोजन यहाँ पे श्रीलंका में किया जाने वाला था, लेकिन अब चूंकि श्रीलंका के बाद इससे जो है दक्षिण अफ्रीका में निर्णय लिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व जो कप है दोस्तों 2024 का, उसका आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पे दोस्तों कहाँ किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट को हाल ही में दोस्तों जैसा कि ICC के द्वारा निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया। इसका पिछला आयोजन दोस्तों जो किया गया था वो 2022 में किया गया था, कहाँ पे दोस्तों वेस्ट इंडीज में किया गया था, और भारत जो है पांचवी बार जो है इसका इस खिताब का विजेता बना था। तो यह ध्यान रखेगा जो ICC पुरुष अंडर 19 जो क्रिकेट विश्व कप 2022 में जो वेस्ट इंडीज में हुआ था उसका विजेता कोई और नहीं दोस्तों भारत है। अब जो है 2024 का जो आयोजन होने वाला है वो श्रीलंका के स्थान पर दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न नियुक्ति से रिलेटेड है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है दोस्तों किसे नियुक्त किया है ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ने, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों अपर्णा गुप्ता को। करेक्ट आंसर इज सी है, अपर्णा गुप्ता को। तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल लीडर, ठीक है, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया है, जो कि इंडस्ट्री सोल्यूशन डिलीवरी और व्यापक माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एवं पार्टनर सोल्यूशन संगठन का एक हिस्सा है। यहाँ पे बात करें दोस्तों ये ग्लोबल डिलीवरी सेंटर नेता के रूप में देखा जाए अपनी कौन कौन सी भूमिका निभाएंगे अपर्णा गुप्ता, तो ये ग्राहक जो है नवाचार और वितरण उत्कृष्टता शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के साथ क्लाउड विकास तुरंत उद्योग की गहराई भागीदारी पारिस्थिति की तंत्र की देखरेख करेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन दोस्तों। तो यहाँ पे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर जो नियुक्त की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपर्णा गुप्ता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ एक अन्य नियुक्ति की बात कर लेते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, कौन, जस्टिस मनोज गुप्ता। तो जस्टिस मनोज गुप्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और ये किसके स्थान पे जो है नियुक्ति इनकी की गई है, तो यहाँ पे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी दोस्तों प्रीतंकर दिवाकर, ठीक है, चूंकि उनकी 22 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए, तो उनके स्थान पे कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मनोज गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रीतंकर दिवाकर ने दोस्तों मार्च 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की दोस्तों बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जजों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी, 160 है, और वर्तमान में इसमें कितने न्यायाधीश है, तो 92 जो है न्यायाधीश कार्यरत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दोस्तों स्थापना जो की गई थी वो 1866 में की गई थी। प्रारंभ में दोस्तों जब इसकी स्थापना किया गया था तो ये आगरा में था, लेकिन आगे चलकर के 3 साल के बाद यानी कि 1869 में ये आगरा से इलाहाबाद को स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या काम है दोस्तों, चूंकि आपने करंट पढ़ा, अब आपकी जिम्मेदारी है कि पॉलिटी की बुक उठाइए और यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में यानी कि कोर्ट जो है हमारे न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्तियां कैसे होती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, किस अनुच्छेद में जो है, किस आर्टिकल में किस पार्ट में जो है संविधान के किस पार्ट में बात की गई है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, शपथ ग्रहण कौन कराता है, ये त्याग पत्र किसको देते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, ये सारी चीज आप अच्छे से जो है एक तरीके से अपना स्टैटिक पोर्शन यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन जो भारत में किया जा रहा है, भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों वो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में दोस्तों और किसका जो है सहयोग मिला है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संचालन केंद्र द्वारा भी इस सम्मेलन को सहयोग दिया गया है। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों वो नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। यह सेमिनार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जटिल परिस्थितियों में शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अनुपालन की आवश्यकता पर जो है चर्चा किया जाएगा। अगर हम बात करें जिसके सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वो संस्था कौन सी है दोस्तों, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और ये भारत की सबसे पुरानी जो है थिंक टैंक मानी जाती है, और इसका स्थापना जो किया गया था 1870 में किया गया था। तो यहाँ पे 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवता कानून और शांति स्थापना संयुक्त फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जापान के फुकुओका प्रांत के साथ मैत्री समझौते की समय सीमा को बढ़ा दिया। मैत्री समझौते की समझो की दोस्तों ध्यान रखिएगा 2007 में ये मैत्री समझौता हुआ था, अब इसकी समय सीमा जो कि इस साल 2023 में समाप्त होने वाली थी, अब किस राज्य सरकार ने जो है इस मैत्री समझौते की जो समय सीमा बढ़ा दिया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली सरकार ने जो है ये जापान के फुकुओका प्रांत के साथ जो मैत्री समझौता हुआ था उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है, देखेंगे कितने वर्षों तक कर दिया है। तो जापान के फुकुओका शहर और दिल्ली के बीच जो फ्रेंडशिप एक्सचेंज एग्रीमेंट है उसकी तय सीमा को, ठीक है, कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों, 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला जो लिया गया है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल और फुकुओका प्रांत के जो वाइस गवर्नर है आकिया ओमागारी के बीच में ये जो है फैसला लिया गया, उसके बाद जो है ये समझौता जो कि किया गया, चूंकि ध्यान रखिएगा वो
फुकुओका प्रांत के जो वाइस गवर्नर आके ओमारगी चूंकि इस समय दिल्ली में थे, इसी दौरान ये जो है समझौता किया गया। समझौते की समय सीमा किस वर्ष तक कर दी गई, तो 31 मार्च 2026 तक जो है अब ये जारी रहेगी। इसके अनुसार दोस्तों क्या होगा इस समझौते के तहत, तो पर्यावरण, संस्कृत, पर्यटन, विरासत, शिक्षा और युवाओं के एक दूसरे के शहरों में आने जाने को लेकर के जो है अब सहयोग जारी रहेगा। ये जो मैत्री समझौता है दोस्तों, ये जो MOU हुआ था हस्ताक्षर दिल्ली और फुकुओका के बीच में, 5 मार्च 2007 को दोनों के बीच में जो है पहली बार ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और ये अभी तक जारी था। इस समझौते के पर जो है 15वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी और इसी दौरान जो है अरविंद केजरीवाल यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और फुकुओका प्रांत के जो वाइस गवर्नर है आकिया ओमागारी के बीच में जो है ट्विनिंग समझौते पर फिर से हस्ताक्षर किया गया। पिछले 15 वर्षों में दोनों शहरों के बीच में देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, स्टूडेंट एंड यूथ एक्सचेंज के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का आदान प्रदान किया गया। समझौते में पर्यावरण के क्षेत्र में और संभावनाएं तलाशने पर भी परिकल्पना की गई है, ठीक है। चूंकि पर्यावरण इस समय का वर्तमान जीवन मुद्दा है, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इस समय जो है पर्यावरण के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करना, विभिन्न गतिविधियों का आदान प्रदान करना इस समझौते पे जो है किया गया है। तो ये ध्यान रखेगा, ये जो मैत्री समझौता था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैत्री समझौता जो कि यहाँ पे दिल्ली प्रदेश सरकार के द्वारा और जापान के फुकुओका प्रांत के बीच में था, जो कि 2007 में जो है साइन किया गया था। इसको 3 वर्षों के लिए बढ़ा करके जो है कितने कब कर दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2000 ठीक है 26 तक अब जारी रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ एक अन्य समझौते की भी बात कर लेते हैं, जो कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण और साथ ही साथ अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि अमेजोन के बीच में ये समझौता हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा भारतीय अंतर देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजोन के बीच में नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन किया गया। इस समझौते का उद्देश्य क्या है, तो जो नदी गंगा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है उनका उपयोग करके जो अंतरदेशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो, ग्राहक शिपमेंट और उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देना, तो एक तरीके से डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है। ई कॉमर्स कार्गो के वाले पहले जहाज को जल्द ही जो है पटना से कलकत्ता के लिए क्या किया जाएगा, रवाना किया जाएगा। तो ये अन्य समझौता है जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने दोस्तों पहला स्थान जो है वो हासिल किया है, ठीक है। तो ये बैंकॉक में जो है थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक में वहां पे एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के जो नंबर 5 खिलाड़ी रह चुके हैं दोस्तों, जो राकेश कुमार, उनकी अगुवाई में भारत ने दोस्तों दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ करके पहला स्थान हासिल किया। भारत ने जो है एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते, तो 9 पदक जीते, जिसमें 4 जो है स्वर्ण पदक था, 4 रजत पदक थे, ठीक है, यानी कि जो है 4 गोल्ड मेडल था, 4 सिल्वर मेडल था और 1 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल था। तो टोटल 9 पदक जीतने के साथ भारत ने जो है पहला स्थान हासिल किया। किसको पीछे छोड़ा है, तो दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है, जिससे 3 जो है गोल्ड मेडल लीजिए और 1 जो है सिल्वर और 1 साथ ही साथ कांस्य पदक जीता है भारत के लिए, ठीक है। यहाँ पे हांगजू पैरा एशियन गेम में जो है रजत पदक जीता था दोस्तों, किससे दोस्तों, तो यहाँ पे राकेश कुमार ने। इन्होंने पुरुषों की जो कंपाउंड ओपन स्पर्धा है इसमें इंडोनेशिया के जो तीरंदाज है उनको 144 के मुकाबले 145 अंकों से हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले राकेश ने दोस्तों सूरज सिंह के साथ मिलकर यहाँ पे पुरुष कंपाउंड ओपन स्पर्धा में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इस तरीके से देखा जाए भारत जो है एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो है पहले स्थान हासिल किया, 9 पदक जीते जिसमें से 4 जो है गोल्ड मेडल है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं आज के लास्ट यानी कि फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि 26वीं बार विश्व विलेडियस चैंपियनशिप जीता है, किससे जीता है, पंकज आडवाणी ने जीता है। बंगाल के एम्बेसडर बने हैं दोस्तों कौन बने हैं, तो पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली। एको ने ग्राहकों की आवाज के तौर पर साझेदारी किया है किस अभिनेता के साथ, तो आर माधवन के साथ। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया किसे, किया गया अजय सूद को किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया किसे, किया गया है विनय एम टोन्स को जो है नियुक्त किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करेंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और आप लोग की जो है जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से इस दौरान उसका आंसर करिएगा दोस्तों। उम्मीद है फिर मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।